नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट के 410 पदों पर निकली भर्तियां। झारखंड उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट क्लर्क के 410 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए 10 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड उच्च न्यायालय की इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप और शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने इस भर्ती के लिए 7 अप्रैल 2024 को विज्ञापन जारी किया था। रामनवमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव की अध्यक्षता में रामनवमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शनिवार को हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में झारखंड के डीजीपी के साथ साथ मुख्यालय के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि सभी जिलों के डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े। बता दें कि शनिवार को गृह सचिव वंदना दादेल की अध्यक्षता में रामनवमी की सुरक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इसी महीने जारी हो सकता है जैक बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसी महीने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया की खबरों की माने बता दें कि जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। झारखंड में 2 दिनों तक गर्मी से मिल सकती है मामूली राहत। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल माह में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची व इसके आसपास के इलाके में अगले 2 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहने व कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में 2 दिनों तक गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। वहीं 15 अप्रैल से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही यह स्थिति 18 अप्रैल तक बने रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के लिए बीएड धारकों की अयोग्यता को किया स्पष्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री के साथ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों की रोजगार स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। योग्यता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए शीर्ष निकाय ने अगस्त 2023 में अपनाए गए पिछले रुख को स्पष्ट किया है। फैसले के अनुसार बीएड डिग्री की आवश्यकता वाले विज्ञापनों के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति अपने पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में रोजगार की स्थिति के संबंध में एक याचिका के जवाब में लिया गया। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर के 968 पदों पर निकाली भर्तियां। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 18 अप्रैल की रात 11 बजे तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है। वहीं आवेदन सुधार विंडो 22 और 23 अप्रैल को खुली रहेगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से आयोग केंद्र सरकार के कई विभागों जैसे MES, BRO, CPWD, NTRO और अन्य में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुल 968 जूनियर इंजीनियरों को भरेगा। लैपटॉप और कंप्यूटर यूजर्स के ऊपर बड़ा खतरा, सरकार ने दी वार्निंग। पीसी और लैपटॉप यूजर्स के लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है। ऐसे में अगर आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने यूजर्स के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के प्रोडक्ट के ऊपर सिक्योरिटी बाईपास यानी एक तरह की हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे के कारण यूजर्स के लैपटॉप या पीसी को हैकर आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। CERT-IN ने इस खतरे को बेहद गंभीर यानी क्रिटिकल कैटेगरी में रखा है।
बता दें कि CERTIN के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आए इस खतरे के कारण प्रॉक्सी ड्राइवर के अंदर गलत एक्सेस रिस्ट्रिक्शन और MOW यानी मार्क ऑफ द वेव का सही ढंग से इस्तेमाल न होना है। बताया जा रहा है कि टारगेट किए गए सिस्टम में स्मार्ट स्क्रीन सिक्योरिटी फीचर प्रोटेक्शन सिस्टम मार्क ऑफ द वेब फीचर को बाईपास करके मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है। LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है, 12 सिलेंडर पर मिलेगी 300 रुपये की सब्सिडी। चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक करोड़ों लोगों को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 300 रुपये की होगी और केवल 12 सिलेंडर पर ही इसका फायदा मिल सकेगा। इसका फायदा लेने के लिए उज्ज्वला योजना से जुड़े रहना अनिवार्य है। बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। दरअसल बीते मार्च महीने में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को बढ़ाने का ऐलान किया था। यह सब्सिडी पहले मार्च 2024 तक के लिए थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2025 तक के लिए कर दिया गया है। सब्सिडी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में किया जाता है। JEE मेन सेशन 2 आंसर की जारी, 14 अप्रैल तक ऑब्जेक्शन राइज करने का मौका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से JEE मेन सेशन 2 पेपर 1 2024 एग्जाम की आंसर की जारी कर दी गई है। वैसे उम्मीदवार जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे वे NTA JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in के माध्यम से आंसर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि पेपर 1 की प्रोविजनल आंसर की रिकॉर्ड किए गए आंसर वाले क्वेश्चन पेपर के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए विंडो भी ओपन हो गई है। उम्मीदवार इसके माध्यम से आंसर की पर यदि कोई हो आपत्ति तो आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के इस फीचर से मिलेगा फायदा, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस तरह होंगे कनेक्ट। मेटा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक साथ कनेक्ट करने की तैयारी में लगी हुई है। अब संकेत मिले हैं कि व्हाट्सएप पर मिलने वाला नया फीचर जल्द इंस्टाग्राम को अपने साथ कनेक्ट करेगा। बता दें कि इससे पहले फेसबुक व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि जल्द ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए भी ये फीचर आने वाला है। व्हाट्सएप पर एक के बाद एक नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। किसी भी फीचर को रोल आउट करने से पहले बीटा वर्जन में टेस्ट किया जाता है। अब एंड्रॉयड बीटा वर्जन से एक फीचर के संकेत मिले हैं। इसमें अब यूजर्स व्हाट्सएप स्टेटस इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकेंगे। iOS वर्जन में यह लेटेस्ट फीचर पहले ही मिल रही हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में इस नए फीचर के आने से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों पर स्टेटस शेयर करने का ऑप्शन एक साथ मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा है कि यूजर्स को बार बार एक जैसी प्रक्रिया नहीं दोहरानी पड़ेगी। अगर यूजर्स एक जैसा स्टेटस या स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें दो बार अलग अलग ऐप्स में जाना नहीं होगा। गूगल ने इस फीचर को बंद करने का किया ऐलान। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि यूजर्स को बड़ा इससे झटका लग सकता है। दरअसल गूगल वन VPN फीचर बंद होने वाला है। गूगल ने ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीनों में इसे बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इस फीचर को अक्टूबर 2020 में पेश किया गया था। इसका मकसद था एंड्रॉयड यूजर्स को ऑनलाइन स्तर पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। गूगल वन VPN फीचर डेटा सुरक्षा में भी मदद करता है। गूगल वन VPN की शुरुआती प्रीमियम प्लान $9.99 प्रति महीना है। हालांकि मार्च 2023 में इसके प्लान की कीमत में कटौती की गई थी। कम जहां कीमत होने के बाद भी इसे उपयोग करने में कमी देखी गई। गूगल ने कहा है कि VPN सर्विस के यूजर्स की संख्या काफ़ी है। गूगल वन ने हाल ही में 100 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा भी छुआ था। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि इतना बड़ा यूजर्स बेस होना इसकी बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इसके बाद भी इस सेवा का काफ़ी कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
चुनाव के बाद महंगे हो सकते हैं सभी रिचार्ज प्लान। टेलीकॉम कंपनियों ने लगभग 2 साल से अपने टैरिफ की कीमतों में इजाफा नहीं किया है और अब इजाफा का समय आ गया है। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के तुरंत बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने वाले हैं। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। एंटी स्टॉक ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान में 15-17% तक का इजाफा हो सकता है। यह बदलाव चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद देखने को मिल सकता है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का 208 रुपये वाला प्लान 286 रुपये का हो जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नए प्लान के साथ 5G प्लान भी पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन मौजूदा 4G प्लान के साथ अनलिमिटेड 4G मिल रहा है उसे या तो ख़त्म किया जाएगा या फिर इसमें बड़े बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि अगर आप कोई रिचार्ज 100 रुपये का करा रहे हैं जून के बाद इसी 100 के लिए आपको 170 रुपये देने पड़ सकते हैं। अगर आप 84 दिन का कोई 700 रुपये का प्लान रिचार्ज करा रहे हैं तो इसके लिए अब आपको 819 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है।